अपनी जमीन बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, तो उसी दिन से गिरने गिराने वाली बात हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड में मची सियासी संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा नेताओं पर तलख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार गिरने और गिराने की बात तो कितने दिनों से चल रही है। राज्य में हुए पहले उपचुनाव के दौरान ही भाजपा के नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उपचुनाव जीतने के एक महीने के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मुंगेरी लाल का सपना देखने वाले लोगों को मुबारक है कि वह दिन में सपने देख सकते हैं। झारखंड में चार चार उपचुनाव हुए हैं और सभी में महागठबंधन की जीत हुई। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए बन्ना गुप्ता ने भाजपा को नसीहत दे डाली कि वह घुमा फिरा कर बात करना बंद करे, सीधे अनुच्छेद 356 लगाकर सरकार को बेदखल कर दे। यार, तो उसी दिन से गिरने गिराने वाली बात हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं। जिस दिन पहला उपचुनाव हुआ था, पहले ही उपचुनाव में तो ये तय हो गया था भाजपा के लोगों ने कि बोला कि ये उपचुनाव हम जीत जाएंगे और इसके बाद एक महीना के अंदर ये सरकार स्वाहा हो जाएगी। तो भाई देखिए, अब कटहल के गाछ में कटहल लगे नहीं लगे, और यदि हमारा मन करे हम सरसों तेल लगा के बैठे रहें तो इसमें मेरा दोष है। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनको मुबारक है कि दिन में सपना देखते रहिए। चार चार उपचुनाव हुए, चारों बाई इलेक्शन हम लोगों ने जीत लिया, तो जनता क्या चाहती है, जनता काम चाह रही है। लेकिन अब लोग जो हैं भाजपा को तो अब चाहिए कि अब इतना घुमा फिरा के क्यों वार कर रही है, डायरेक्ट 356 लगा के बेदखल कर दे। रोज तीन तेरह करने से अच्छा एक ही बार कर दो। तो इधर से घुमा के उधर से घुमा के इधर प्रताड़ित अपमानित करना, झारखंड के लोग कितना भी होगा, हम अपनी जमीन बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, अपना जमीर नहीं बेच सकते हैं। वहीं देखने वाली बात होगी कि बन्ना गुप्ता के इस बयान के बाद बीजेपी का क्या जवाब आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।